Hey, hi, Srishyakal class 10, came to my reason, must marama. Please let me know in the comment section. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोयम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू पढ़ने वाले हैं और इस पोयम को हम आपके टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इस सेशन के पहले जितने भी पोयम से क्वेश्चंस आते थे ना, वो या तो पोएट का नेम पूछ लेता था या फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चंस आते थे, बट इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार आपको पोयम के क्वेश्चंस करने के लिए ना इनके लाइन बाय लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आप कर नहीं पाओगे। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अ टाइगर इन द जू जो पोयम नंबर 3 है, इसके हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के जो दो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, इन दोनों पोयम की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा एक लिंक, वहां पर मिल जाएगी, जाकर देखो। अब इस पोयम की बात करते हैं, अ टाइगर इन द जू। भैया आप टाइगर इन द जू, इस पोयम का जो टाइटल है ना, यही हमें बताता है कि ये जो पूरा पोयम है ये टाइगर के बारे में है, एक ऐसा टाइगर जो किसी पिंजरे में बंद है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं कि ये पोयम पूरा किसके बारे में है। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोयम में ना पोएट ने कंपैरिजन किया है, किसका किसका कंपैरिजन किया है, एक ऐसा टाइगर जो पिंजरे के अंदर बंद है और एक ऐसा टाइगर जो खुला है, जो जंगल में बिल्कुल आजाद है, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। और यह बताया गया है कि भाई एक ऐसा टाइगर जो पिंजरे के अंदर बंद है उसकी क्या हालत है, उसकी क्या कंडीशन है पिंजरे के अंदर, और दूसरा जो जंगल के अंदर आजाद है, खुला है, घूम सकता है, किसी का भी शिकार कर सकता है, उसकी क्या हालत है जंगल के अंदर। ठीक है, Hey dear learners, hope you all are preparing well for your term one examination. और आपको इतना तो पता ही होगा कि इस बार आपका जो term one examination होने वाला है उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल हट के आने वाला है। जी हाँ, और आप अपनी term one की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको डाउट्स भी आते होंगे, तो क्या किया जाए। Unacademy इसी के लिए लेकर आया है आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज, जिसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम के लिए इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम के मॉक टेस्ट से प्रिपेयर कर सकते हो। जी हाँ, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके पास चांस है कि आप 50 लाख तक के इनाम जीत सकते हो। जो टॉप रैंकर्स होंगे इस टेस्ट में, उनको मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, आईफोन 12, वन प्लस 9, लैपटॉप, हेडफोन्स, अनअकैडमी के ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज भी दिए जाते हैं। भाई ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये क्लास 10th एंड 12th के लिए होगा। ये अगर आपके बड़े भैया हैं, आप क्लास 9th में हो, आपके बड़े भैया हैं या आपकी कोई बड़ी दीदी है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि भाई ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। 27 टू 30 नवंबर के बीच में 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये टेस्ट चलेगा। अब कौन से दिन, कितने टाइम, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, आप पीछे बैनर पे देख सकते हो। और केवल इतना ही नहीं, आपको अगर किसी भी तरीके की डाउट भी आती है ना, तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आप अपने 10 डाउट अनअकैडमी के आस्क अ डाउट से पूछते हो ना, तो आपको 15 दिन का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है। और ये ऑफर केवल सीबीएसई 6th to 12th, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी, जेईई, नीट और एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आपको अनअकैडमी आस्क अ डाउट यूज करना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, आपको AAD अनअकैडमी आस्क अ डाउट अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन, अपलोड इट, आपको सब्जेक्ट पूछेगा कौन से सब्जेक्ट का ये डाउट है, सब्जेक्ट बताओ, यू विल गेट योर आंसर। सो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको मॉक टेस्ट में एनरोल करने का लिंक मिल जाएगा। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक और फ्री में इस मॉक टेस्ट को अनलॉक करो। मेरा कोड है PREM, आप इसी कोड का यूज करके अनअकैडमी से किसी भी तरीके की परचेसिंग 10% डिस्काउंट पे कर सकते हो। सो गो एंड एंजॉय। सो फर्स्ट स्टैंजा को हम पढ़ेंगे, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहां पर पोएट कह रहा है कि भाई जो अपना टाइगर है ना, ये जब अपने पिंजरे के अंदर बंद है तो ये क्या करता है, ही स्टॉक्स, ये चलता है। ठीक है, इन हिज विविड स्ट्राइप मतलब अपने अलग अलग रंग की पट्टियां लगी, आप देख रहे हो ना टाइगर की स्किन के ऊपर कलरफुल धारियां बनी हुई हैं। अब ये टाइगर अपने अलग अलग रंग के धारियों के साथ क्या करता है, ये पिंजड़े के इस तरफ जाता है, फिर वापस घूम के पिंजड़े के इस तरफ आता है। इसी मूवमेंट को हम स्टॉक करना कहते हैं। स्टॉक का मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो ये जो टाइगर, ये क्या कर रहा है, पहले पिंजड़े के इस तरफ जा रहा है, फिर वापस पिंजड़े के इस तरफ आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टॉक कर रहा है। ठीक है,
तो ये टाइगर स्टॉक कर रहा है, जितने कदम वो अपने पिंजड़े में चल सकता है, मतलब पिंजड़ा छोटा है तो वो केवल कुछ ही कदम अपने पिंजड़े में चल सकता है, तो उतना कदम वो जाता है फिर वापस आता है। और जब ये टाइगर चलता है ना तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब ये जो टाइगर का तलवा है, जो पैड है, हमारे जो पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम पैड कहते हैं, तो जो टाइगर का तलवा है ना वो काफी सॉफ्ट होने की वजह से उसके चलने की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। ये जो टाइगर का तलवा है, पैड है, वो बिल्कुल मखमल जैसा मुलायम है, इसलिए जब टाइगर चलता है ना तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती इन हिज क्वाइट रिच। अब ये टाइगर चल क्यों रहा है, क्योंकि भाई टाइगर ना काफी गुस्सा है, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि ये आजाद नहीं है, फ्री नहीं है, और इसीलिए ये अपने गुस्से को शांत करने के लिए, रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है एंगर, ठीक है, अपने गुस्से को क्वाइट करने के लिए ये पिजड़े के कुछ कदम वापस जाता है, फिर वापस आता है, जाता है फिर वापस आता है, ताकि इसका गुस्सा शांत हो सके। सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोयम, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अभी तक हमने देखा कि एक टाइगर जो पिंजड़े के अंदर बंद है वो कैसा है, अब हम देखेंगे कि टाइगर को एक्चुअली कैसा होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, एक टाइगर को कहीं छुप कर, लर्किंग का मतलब क्या होता है, किसी इलीगल एक्शन को करने के लिए जब आप छुपते हो तो उसको हम लर्किंग कहते हैं। जैसे ये जो टाइगर है ये छुप रहा है ताकि शिकार कर सके, इसको हम लर्किंग कहते हैं। तो भैया एक टाइगर को कैसा होना चाहिए, एक टाइगर को छुप कर इंतजार करना चाहिए, किसका इंतजार करना चाहिए, कहां पर, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इस टाइगर को क्या करना चाहिए, छुपे रहना चाहिए, अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए, और जैसे इसको अपना शिकार दिखे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब धीरे धीरे दबे पांव घास के बीच में से होते हुए उसको किस तरफ जाना चाहिए, नियर द वाटर होल, जहां पर तालाब है, जहां पर हेल्दी मोटी तगड़ी हिरन आती हैं पानी पीने, वहां पर इसे छुपे रहना चाहिए, अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए, और जैसे इसे शिकार दिखे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास मतलब घास के बीच में से होते हुए इसे अपने शिकार को दबोच लेना चाहिए, ठीक है, टाइगर को एक ऐसा होना चाहिए। चलो थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पर्टिकुलर पोयम, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। टाइगर को और कैसा होना चाहिए, एक टाइगर को क्या करना चाहिए, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, मतलब जंगल के किनारे पर जो घर बसे हैं, जो घर बसाए गए हैं, उनके आसपास इसे क्या करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, गुर्राना, ठीक है, इसे क्या करना चाहिए, इसे जंगल के किनारे जो भी घर हैं उसके अगल बगल घूमना चाहिए, गुर्राना चाहिए, और क्या करना चाहिए, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है दांत, बेयरिंग का मतलब दिखाना, इसे अपने सफेद दांत, अपने नुकीले दांत, अपने नुकीले पंजों को दिखाना चाहिए, जिससे जो गांव के लोग हैं वो डरें, ये टाइगर है, कोई बिल्ली नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ पर, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। हमें पता है कि टाइगर को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसे लोगों को डराना चाहिए, इसे जंगल में रहना चाहिए, अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा टाइगर है नहीं। ये जो अपना टाइगर है ना, ये क्या है, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ये क्या है, ये ईट सीमेंट और बालू से बने एक कमरे में बंद है। His strength behind bars, इसके जो टाइगर की जो ताकत है ये पिंजड़ों के पीछे है, मतलब ये जो पिंजड़े हैं ये काफी मजबूत हैं, इसे तोड़कर तो ये टाइगर बाहर नहीं आ सकता, इसलिए जो टाइगर की ताकत है ना वो सभी पिंजड़े के अंदर है, ठीक है। Stalking the length of his cage, ये टाइगर अब भी अपने पिंजड़े के जितने कदम चल सकता है उतने कदम ये चलता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो लोग इस टाइगर को देखने आए हैं उसे ये इग्नोर करता है क्योंकि ये ऊब चुका है इन सब चीजों से, ठीक है। चलो नाउ फोर्थ पैराग्राफ भी हमने देख लिया, फिफ्थ स्टैंजा पर चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब कह रहा है कि जो भाई अपना टाइगर है ना, ये अपनी आखिरी आवाज, दिन का आखिरी आवाज ये कब सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब जो गाड़ियां आती हैं जानवरों को देखने के लिए कि भाई कोई जानवर परेशान तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, रात में जो गाड़ियां पेट्रोलिंग करने आती है ना, उसकी आवाज ये टाइगर आखिरी बार सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, इन पेट्रोलिंग कार्स पर ये टाइगर ध्यान नहीं देता है, और अपनी चमकदार आंखों से जो टिमटिमाते हुए तारे होते हैं, जो ब्रिलियंट स्टार्स होते हैं, उनको देखता रहता है और सोचता है कि भाई मैं कब आजाद हूंगा, मैं कब
फ्री होऊंगा. सो दिस इज द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. आई होप आपको पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी. पोएम अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, पोएम को शेयर करो दबाकर, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल और जय हिंद.